हेलो एवरीवन, माय नेम राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक पीपीआर की। हमारे आज ही एक ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है एक स्टूडेंट की, जिस स्टूडेंट की एज 42 इयर्स है। आपको हैरानी होगी कि 42 इयर्स की एज पे भी उसका वीजा का डिसीजन आया हुआ है। तो आज उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में उसने अप्लाई किया था और कैसे वो उसने हमारे से कॉन्टेक्ट किया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि कनाडा स्टडी वीजा की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आजकल आपने सुना होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा या यूट्यूब पे काफी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने वीडियो डाली है कि काफी ज्यादा कनाडा स्टडी वीजा की रिजेक्शन आ रही हैं। ऐसे में हमारा ये जो अभी वीजा जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है वो 42 इयर्स की एज पे पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये हमारे लिए फर्स्ट नहीं है कि हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है या इट्स से जैसे लक होता है या तुक्का है। हमारे पास 4-5 केसेस ऐसे पिछले लास्ट ईयर आए हैं जिनकी एज मोर देन 30 ईयर्स 34 35 ईयर्स थी, उनके भी हमारे वीजा अप्रूव होके आए हैं। आपने हमारी वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पे, हमने वीडियोस अपलोड करी है उन स्टूडेंट्स के साथ जो आज कनाडा बैठे हुए हैं, उन स्टूडेंट्स का भी वीजा अप्रूव होके आया है। पर ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है जिसमें 42 इयर्स की एज पे भी किसी स्टूडेंट का वीजा अप्रूव होने जा रहा है। ये पासपोर्ट रिक्वेस्ट का मेरे पास एक लेटर ये है, ये फोर्थ आज की डेट है फोर्थ, एंड जो स्टूडेंट है उसका नाम विनायक रथ है। ही इज फ्रॉम उड़ीसा, भुवनेश्वर का स्टूडेंट है। हमारे साथ वर्चुअली ही इसने कांटेक्ट करा था यूट्यूब देख के, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको देख के, और उसके थ्रू ही उसने कांटेक्ट करा है। अभी तक स्टूडेंट्स का मैं मिला नहीं हूँ। मैं आई होप जैसे उसका वीजा अप्रूव होके आएगा मैं स्टूडेंट से मिलूंगा, एंड होपफुली ही विल बी देयर हेयर इन आवर ऑफिस मैं ग्रीट करने के लिए। मैंने स्पेशली बोला है कि जैसे आपका वीजा स्टैम्प होके आता है आप फिर हमारे ऑफिस विजिट करिए, एंड उनके साथ भी हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। गाइज, ऐसा नहीं है कि वीजाज नहीं आते, बहुत ज़्यादा र्यूमर फैला हुआ है लोगों ने कि बहुत ये जो क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, वीजाज भी आ रहे हैं। हम क्या करते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट है उसको ज़्यादा देखते हैं, पॉजिटिव पार्ट को नहीं देखते। और जब ये मैं बात करूँ कि ये 42 ईयर्स की एज पे वीज़ा अप्रूवल आया है तो इसका मतलब कि वीजा अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वीजा नहीं आ रहे हैं। आपका जो कंसल्टेंट है उस कंसल्टेंट को एक अच्छे से आपकी फाइल को प्रेजेंट करना होता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका कंसल्टेंट अच्छे से आपकी फाइल को प्रेजेंट करेगा, अच्छे से जॉब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रेजेंट करेगा आपकी एम्बेसी में, तो डेफिनेटली आपका वीजा अप्रूव होके आएगा। इस स्टूडेंट का प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग में इसने अप्लाई किया है हमने, और साथ ही इसका जो प्रोग्राम था सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 1 ईयर का है। मैं यही बोलूंगा कि यस, वीजा आते हैं, तो किसी को भी अपनी जो होप है वो लूज नहीं करनी चाहिए। और कई बार क्या होता है कि बच्चे का माइंड होता है कि यार मैं कनाडा की जगह ऑस्ट्रेलिया या यूके अप्लाई कर देता हूँ, उसकी वजह से मेरा वहां का वीजा अप्रूव हो जाता है। पर आपका डेस्टिनेशन अगर कनाडा है तो कनाडा है, कनाडा का वीजा भी आता है, और ये हमारे पास एक बिगेस्ट एग्जाम्पल है। With this guys, thank you very much. Best of luck.